इसीलिए जो इन्हीं जो सुनबोन एरिया में जो लोग रहते हैं, हमारा एक एडवाइजरी यानी चेतावनी है जी। तो मौसम विभाग ने एक येलो कलर यानी येलो कलर ऑरेंज येलो कलर वेदर एडवाइजरी वेदर वार्निंग बोलते हैं हम वो जारी किए है। इसका मतलब हो कि लोग अपडेट पहले अचानक ऐसे स्नोफॉल अचानक कैसे पता ना चले ऐसे कैसे मतलब लोगों को मालूम होना चाहिए। पीपल आस्क टू स्टे अपडेटेड एंड बी रिमेन अलर्ट, कॉशियस थोड़ा रखे हो सकता है, क्योंकि अगर 30 तारीख को ज्यादा बड़ी बड़ी हो तो एवलांच भी आ सकता है एवलांच प्रोन एरिया में। हम एग्जैक्ट कहना है कि कहाँ पर आएगा कहना तो मुश्किल है, स्पेसिफिक जगह बताना, लेकिन जब भी हेवी स्नोफॉल होते हैं तो एवलांच होते हैं जो कि कभी कभी जानलेवा भी होते हैं। तो ऐसा ना हो, अनलेस इमरजेंसी ना होगा तो स्नोफॉल जब बर्फ तेज बराबरी होते हैं तो घर के अंदर ही समित रहिए, अनलेस इमरजेंसी अगर ना हो तो। एक तो ये है, तो ये मेन जो है एक्टिविटी 30 तारीख को है, 30 तारीख को हेवी स्नोफॉल होने का इम्कान है मैदानी इलाकों में भी, खासकर के साउथ कश्मीर के मैदानी इलाकों में अच्छी बर्फबारी होने का इम्कान है, हो सकता है आधा से लेकर एक फुट या एक डेढ़ फुट तक भी हो सकते हैं। इसके बाद फिर 31 से कम होना शुरू हो जाएगा।